आप सभी लीडर्स को मेरा नमस्कार। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोगों ने आपकी बात के दोनों पार्ट देख लिए हैं और कुछ सर की भी आज की ट्रेनिंग आप लोगों ने अटेंड की होगी। बहुत ही शानदार, बहुत ही वंडरफुल ट्रेनिंग थी जो उन्होंने आज ली है। कल की वीडियो के बाद आज की ये ट्रेनिंग से आपके डाउट्स और क्लियर होंगे और आप सब लोग बहुत जोश में हैं। मैंने आप सबके मैसेजेस भी देखे हैं, रिस्पॉन्स भी देखे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने उस वीडियो को और इन ऑफर्स को इतना प्यार दिया है। यहाँ मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जहाँ जोश ज़रूरी है उसके साथ में लक्ष्य का होना भी ज़रूरी है। एक ऐसा फुटबॉल मैच जिसमें प्लेयर्स भी हों, गेंद भी हो, देखने वाले भी हों, लेकिन गोल पोस्ट ना हो, तो उस मैच का रिजल्ट क्या निकलेगा। उसी प्रकार आपको अपने आप से ये प्रश्न पूछना चाहिए, अपनी एक एक डाउनलाइन से पूछना चाहिए कि आखिर हम चाहते क्या हैं, हमारा इस महीने का लक्ष्य क्या है। सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित करें, अपने आप से मंथन करें, पूछें कि आप क्या चाहते हैं, और फिर उसके बाद अगली चीज़ आती है उस लक्ष्य को पूरा करने की कार्य योजना। बट एक बार लक्ष्य निर्धारित कर लिया तो फिर उसके साथ एक शब्द जुड़ा होना चाहिए और वो है कमिटमेंट, यानी कि आपको वचनबद्ध होकर उसे पूरा करना है। मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि पिछले 17 सालों में इस तरह की ऑफर आज तक ग्लेस ने कभी लॉन्च नहीं की है। दोस्तों, ये एक बहुत सुनहरा मौका है आपको अपनी टीम को दोबारा से ज़िंदा करने का, उन लोगों को दोबारा से मोटिवेट करने का जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, जिनमें अपने सपनों के प्रति प्यार है, और आप सब भी उन्हीं में आते हैं। लेकिन महीना कब बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, इसलिए आपको अपने महीने को बहुत अच्छे तरीके से प्लान करना चाहिए और सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। कल के अंदर, यानी कि कल 4 तारीख है, 4 तारीख कल जब आप सुबह उठें और रात को सोने से पहले आपको अपनी एक एक डाउनलाइन के साथ ये डिस्कस करना चाहिए कि इस महीने हम क्या करने वाले हैं और कैसे करेंगे, ताकि कल के बाद आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हों। और एक बात ज़रूर ध्यान रखें, जितनी जल्दी जितनी तेज़ी से आप काम करेंगे, 10 तारीख का पहला लक्ष्य लेके चलें, फिर उसके बाद 20 का और फिर उसके बाद आगे का, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें। मैंने अपने वीडियो में भी एक बात कही थी कि यदि आप हिमालय के नीचे खड़े होकर चोटी को देखेंगे तो आपको लक्ष्य बहुत दूर नज़र आएगा, लेकिन अगर आप ये मान लें कि अगर हिमालय की चोटी पर जाने के लिए आपको 30,000 कदम चलना है, उसके बाद आप चोटी पर पहुंचेंगे, तो आपका लक्ष्य 1,000 कदम रोज का है यदि आप एक महीने में पहुंचना चाहते हैं। तो आपको ये देखना है कि रोज मुझे 1,000 कदम चलकर आज के दिन को जीतना है। यदि आपने आज को जीत लिया तो कल हमारा निश्चित होगा। तो रोज का लक्ष्य उस हिसाब से आपको तय करना है। पहला लक्ष्य, हम इस महीने क्या प्रमोशन लेने वाले हैं, हमारा कुल टारगेट क्या है। दूसरा, उसे अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर दीजिए। और तीसरा आता है एक्शन प्लान, कितनी सेल करनी है उसके हिसाब से कितने गेस्ट को प्रेजेंटेशन दिखाना है, पीछे जुड़े हुए कितने बीडीज के साथ फॉलो अप करना है। ये सारी कार्य योजना जो भी लीडर्स अच्छे से तैयार करेंगे, मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूँ वो जो चाहेंगे जो सोचेंगे वो हासिल करेंगे। तो आप सब में दोस्तों जज्बा है, जुनून है, जोश है, लेकिन इसके साथ में लक्ष्य निर्धारित करें और उस लक्ष्य के प्रति वचनबद्ध हों और फिर देखें इस महीने क्या चमत्कार होते हैं, क्या कमाल होता है। मेरी शुभकामनाएं आप सब लोगों के लिए। जय हिंद, गो गैलवे।